बिसम अल्कुम क्या हाल है आप सब के यहाँ पर जी बिहारी बोटी रोल उड़ाया जा रहा है बहुत मज़ेदार था वैसे बहुत मज़ेदार नहीं था लेकिन अच्छा था खाने में मज़ा आया और जी ये शाम का टाइम है और यहाँ पे फुल कुकिंग प्रोग्राम जो है ना वो ऑन है और यहाँ पे गोश्त भुन रहा है एक बड़े पतीले में मैंने चिकन रखा हुआ है ताकि उसका पानी ड्राई हो जाए एक जगह पे बीफ रखा हुआ है ताकि उसका पानी ड्राई हो जाए यहाँ पे ब्राउन प्याज है अदरक लहसुन का पेस्ट है उसमें मैंने टमाटर डाले हैं आलू डाले हैं सारे बेसिक मसाले नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा और धनिया पाउडर ये डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी कटे हुए बैंगन यहाँ पे बन रहे हैं अचारी बैंगन और अचारी बैंगन की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे बिल्कुल मौजूद है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप ज़रूर देख लीजिएगा तो बैंगन को ढक देंगे पकने के लिए यहाँ पे जहाँ पे बीफ अच्छी तरह से जो है वो भुन गया है उसके अंदर मैंने साबुत प्याज डाला है यानी कि कच्चा प्याज है टमाटर है टोमेटो पेस्ट है नमक मिर्च जिंजर गार्लिक पेस्ट हल्दी धनिया पाउडर यानी बेसिक चार मसाले और उसके साथ जो है वो प्याज टमाटर डाल के थोड़ा पानी डाल के गोश को जो है मैं गलने के लिए प्रेशर कुकर में रख दूंगी दैट्स इट और यहाँ पे चिकन के मैंने दो हिस्से कर लिए हैं आधे हिस्से में मैंने प्याज और दही नमक मिर्च हल्दी डाली है ताकि इसका कोरमे जैसा फ्लेवर आ जाए और आधा हिस्सा जो चिकन है वो मैं ऐसे बनाऊँगी जैसे कि शोरबे वाला चिकन होता है ताकि थोड़ा सा माइल्ड हो और जी जब गोश्त अच्छी तरह से मेरा गल जाएगा भुन जाएगा मैंने उसको साइड में रख दिया और उसकी ग्रेवी के अंदर मैंने डाल दिया है लौकी आपको पता है लौकी खाने में कितनी अच्छी होती है अब मैं आपको असल स्टोरी बता दूँ लास्ट ट्यूज़डे से ही मुझे लग रहा था कि हमारे घर में जो है वो सबकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं तो मैंने सोचा कि मैं इस वीकेंड के आने से पहले तीन चार चीज़ें तैयार करके रख लूँ ताकि अगर बच्चों में से कोई बीमार हो तो मुझे एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े और अगर मैं बीमार हूँ तो ज़ाहिर है फिर खाने पकाने के तो मसले मसाइल हो ही जाएंगे तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले से कुछ खाना पका लिया जाए और ये बड़ा बेहतर होता है कि आपके पास कुछ ना कुछ ज़रूर मौजूद हो बाज़ार से खाने खाने बिल्कुल आसान नहीं होते और आपको मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा कि अगर समय खराशी हो रही है तो बहुत बहुत माजरत और जी मैंने लौकी को जो है वो गला लिया अच्छी तरह से उसमें शोरबे को जितना मैंने रखना था उतना पानी डाल के उसे पका लिया और गला हुआ गोश्त इसमें शामिल कर दिया है ये ज़रा अच्छा रहता है स्टेप इस तरह से होता है कि आपको ये डर नहीं लगा रहता कि गोश्त ज़्यादा ना गल जाए या टूट ना जाए तो जी ये एक शाम का जिक्र था और उसके बाद जो है वो आई है अगली सुबह और आप सुबह में देख लीजिए कि इस वक्त तकरीबन साढ़े सात बज रहे हैं और आप देखें लाइटें ऑन हैं सूरज अभी तक नहीं निकला हुआ है तो हमारे पास आजकल की सुबह इसी तरह से हैं कि तकरीबन सात चालीस के करीब जो है वो सनराइज़ होता है अभी बच्चों का स्कूल जाने में टाइम है और मैंने कीमा जो है वो पहले से फ्रिज में निकाल के रखा था उसको मैंने भूनने के लिए डाल दिया कि वो भूनता रहे और साथ में मैंने दाल भी चढ़ा दी कीमा जब भुन गया तो कीमे के मैंने दो पार्ट कर लिए एक पार्ट में मैंने जो है वो डालने हैं आलू और जो दूसरा पार्ट है ना उसको मैं बिल्कुल ड्राई रखूँगी क्योंकि ड्राई कीमा जो है ना वो आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप ये समझें कि एक कीमा आपने भुना और उससे आप दो डिशे बना सकते हैं है ना मज़े की बात तो जो आपका भुना हुआ कीमा है आप वो फ्रीज़र में रख दीजिए और जो आलू वाला कीमा है वो आप इस्तेमाल कर लीजिए है ना आसान बात इस तरह से आपका कितना टाइम बचेगा अच्छा देखें इतना खाना पकाने का ना मुझे फ़ायदा बहुत हुआ हमारी दुबई से एक जानने वाली है उनकी बेटी यहाँ पर मूव हुई है तो वो बच्ची मुझसे मिलने आने वाली थी तो मैंने सोचा कि बच्चों को ज़ाहिर है चीज़ें मुश्किल लगती हैं नई जगह पे सेटल होना तो अब इतना खाना मैंने पकाया था तो मैंने सोचा कि उस खाने में से कुछ हिस्सा जो है वो मैं उस बच्ची को भी दे दूँगी तो कितनी आसानी हुई ना कि मैंने काफ़ी खाना पका लिया था तो अगर मैंने ना पकाया होता तो फिर मुझे दौड़ दौड़ के काम करना पड़ता तो देखें अभी सुबह साढ़े नौ ही बजे हैं मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के घर आ गई हूँ और मेरा कीमा भी तैयार है दाल भी तैयार है और यहाँ पर मैंने मटर चावल के लिए मटर पकने के लिए रख दिया तो जैसे ही मटर मेरे गले मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया और आराम से बैठ के अब मैं नाश्ता करूँगी नाश्ता करने के बाद मैं दोबारा किचन में आऊँगी चावल बनाऊँगी क्योंकि उस बच्ची ने हमारे पास तकरीबन ग्यारह बजे के करीब आना था तो मैं चाहती थी तब तक जो है वो खाने से फ़ारग हो के आप आराम से गपशप भी लगा सकें और खाना थोड़ा ठंडा हो जाए तो पैक करके देने में आसानी भी होगी तो ज़रूर इस तरह से किया करें कि अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा खाना पका के रखा करें ज़रूरत पड़ने पे वो आपके भी काम आ सकते हैं और किसी और के भी काम आ सकते हैं है ना अच्छी बात ज़रूर इस तरह किया करें और जी हमने फ़िश टैंक साफ़ किया था तो उसको साफ करने के बाद क्लीनर फ़िश बाहर निकल के उसकी मज़ीद सफाई करने की कोशिश कर रही है आज का दिन जो है वो काफ़ी लंबा है मेरे काफ़ी ज़्यादा प्लान्स थे मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी कुछ चीज़ें खरीदनी थी और वो बिल्कुल बेसिक ज़रूरत की चीज़ें थी और कोई ख़ास मैं ऐसी कोई क्रिसमस शॉपिंग पे नहीं निकली हुई थी कि मैंने बहुत सेलों से लूट मार करनी थी नहीं कोई फ़ायदा नहीं होता इस तरह की लूट मार करने का और ना मैं उन लोगों में से हूँ जो सेल पे से चीज़ें खरीद ख़रीद के रखते जाते हैं और दो दो तीन तीन साल बाद जाके गिफ्ट में देते हैं मुझसे वो भी नहीं होता मैं बस अपने कुछ काम से निकली थी और बस मैं देखने आई कुछ चीज़ें कुछ लोगों को गिफ्ट देने थे तो अमूमन ये होता है कि मैं लोगों को गिफ्ट देने के लिए चीज़ें ख़रीदने आती हूँ और मैं खुद चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देती हूँ अब ये वाली ट्रेस मुझे इतनी पसंद आई ये कॉपर की ट्रेस थी और इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन साइज़ थे तो मैंने एक साइज़ अपने लिए लिया ये वाली बास्केट भी अच्छी थी लेकिन वो मैंने नहीं ख़रीदी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आजकल कितना अच्छा स्टॉक आया हुआ है आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है ऐसी चीज़ें देखने में तो उम्मीद है कि अब अगले कुछ मिनट आपके भी बड़े मज़ेदार और तफरी से भरपूर गुजरेंगे इस चीज़ ने मेरी बहुत अटेंशन कैच की और मैं बहुत सोच रही थी कि मैं इसको ख़रीद लूँ लेकिन मैं आपको बताऊँ ये इतने छोटे साइज़ का था कि हार्डली इसके ऊपर तो मैं समझती हूँ पाँच सीख कबाब आ सकते थे तो वो मुझे लगा नहीं और ये स्लेट के जो केक स्टैंड है इनका आजकल बहुत फैशन है मगर मैंने किसी से सुना है कि स्लेट जो है वो बहुत जल्दी टूट जाती है हालांकि मुझे ब्लैक अच्छे लग रहे थे लेने के लिए आप में से किसी का भी स्लेट के केक ट्रे के बारे में कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे जरूर ज़रूर बताइएगा और बीच बीच में से जो मेरी आवाज़ गड़बड़ कर रही है उसके लिए बस मुझे साथ साथ जो है वो माफ़ी देते जाइए और बस ये बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई थी और एक चीज़ जो मैं अपने हर शॉपिंग व्लॉग्स में कहती हूँ कि जो भी चीज़ उठाओ ना वो आपके एक्सपेक्टेशन से ना ज़्यादा महंगी होती जा रही है यानी कि अगर कोई चीज़ आप उठाते हैं और सोचते हैं कि ये फोर नाइन्टी नाइन की होगी तो वो सिक्स नाइन्टी नाइन की होती है कोई चीज़ आप उठाते हैं कि ये तो बस अठारह उन्नीस डॉलर की होगी वो तीस डॉलर की होती है तो ओवरऑल बहुत महंगाई हो गई है और पता नहीं ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है आ, कभी कभी मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है सिर्फ खाने पीने की और ज़रूरत की अशिया जो है ना उन्हीं पे हमें फ़ोकस करना चाहिए और सराफ और फजूल खर्ची से शायद हम इसी तरह बच सकते हैं कि चीज़ें आप अफोर्ड ही ना कर सकते हो तो फिर ख़रीदेंगे भी नहीं लेकिन ये कि माशा अब दुनिया जिस हिसाब से एक्सपेंड हो रही है और जिस तरह से हर मुल्क की चीज़ हर जगह पर इतनी ईज़िली अवेलेबल है तो हर चीज़ आपकी आँख कैच तो करती है बिल्कुल आप सोचते हैं ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है। तो बस खैर मैं तो ज़्यादातर उन्हीं लोगों में से हूँ जो चीज़ों को देखना पसंद करते हैं क्योंकि जितनी चीज़ें घर में ऑलरेडी मौजूद है वही इस्तेमाल करने में नहीं आती तो फिर नई नई चीज़ें समेट के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है हाँ अगर ज़रूरत हो तो ज़रूर खरीदें और जब आप कोई नई चीज़ ख़रीदें तो हमेशा याद रखें पिछली कोई भी चीज़ को चैरिटी में ज़रूर दें अगर आप समझें अपने बच्चे के लिए तीन नई शर्टें खरीद के लाएँ तो कोई पुरानी तीन शर्टें ज़रूर चैरिटी में दें बैलेंस कायम रखें और इसी तरह से जो है ना सर्कुलेट करेगी ना वेल्थ तो हर आदमी के लिए आसानी होगी तो कभी भी स्टॉक नहीं करके रखें बहुत बहुत सामान अब तो मैं बहुत अरसा हो गया है कि चीज़ें स्टॉक नहीं करती पहले तो मैं इतना सामान खरीदती थी और गिफ्ट्स गिफ्ट्स के लिए रखती थी कि इसके घर जाऊँगी तो ले जाऊँगी अब जब जिसके घर जाना होता है उसी टाइम पर जो उसकी किस्मत का होता है हम वो ख़रीद लेते हैं तो बस वक्त के साथ साथ आपकी सोच भी बदलती है और आपकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं तो कभी भी किसी चीज़ से दिल नहीं लगाया करें हमेशा सोचा करें कि जो आज है वो अच्छा है जो गुज़र गया वो तो गुज़र गया और जो आने वाला है उसका कुछ पता नहीं है ठीक है ना और जी इस आयल में आके मेरा दिल बाग़ो बहार हो गया क्योंकि इसमें मेड इन पाकिस्तान था का स्टैम्प लगा हुआ नज़र आ रहा था और ये जो सॉल्ट है ये खेवड़ा माइन से आता है और हम जो है वो अपना एक पूरा विज़िट किया था खेवड़ा माइन का और यकीन करें इतनी कोई प्यारी जगह है जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं और उन्होंने आज तक ये माइंड नहीं देखी हैं आपने ज़रूर जाना है और ज़रूर देखना है उस जमाने में मैं व्लॉग्स बना के जो है वो नहीं डाला करती थी तो मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का वो ट्रिप मेरा बड़ा मज़ेदार ट्रिप था उसमें हम करतारपुर भी गए थे ननकाना साहब भी गए थे तो बहुत प्यारी जगह है ये पाकिस्तान की अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखी और आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहिए तो ज़रूर खेवड़ा माइंस जाएं आपको बड़ा मज़ा आएगा वहाँ के सॉल्ट लेप्स बड़े अच्छे हैं और जी ये हम आ गए हैं अपने शहर के डाउनटाउन में जब मैं नई नई मूव हुई थी कैनेडा में इनफैक्ट इस शहर में मुझे कभी ये डाउन टाउन नहीं अच्छा लगा ऑब्वियसली आप जब दुबई से इस जगह पे मूव होते हैं तो कहाँ दुबई और कहाँ ये शहर ये तो अजीब छोटे छोटे से गांव लगा करते थे तो मुझे तो सात बजे के बाद यहाँ पे नज़र भी कुछ नहीं आता था क्योंकि इतनी कम लाइट्स लगती थी लेकिन अब जो है वो अमूमन कोई काम पड़ता नहीं है डाउन टाउन से ज़्यादा तो जाना नहीं होता अब मैं गई हूँ काफ़ी अरसे के बाद तो ठीक ही लग रहा था वो होता है ना आप बहुत अरसा किसी जगह पे रह लें तो आँखों को आदत ही हो जाती है तो अब मुझे भी छोटी छोटी सी बिल्डिंग्स और छोटे छोटे घरों की शायद आदत हो गई है तो ठीक लगा मुझे डाउन टाउन कोई इतना एक्स्ट्रानेरी नहीं, नहीं लगा बस सही लगा और जी यहाँ पे एक शहर है किचनर और ये किचनर मार्केट है और मेरे बेटे साहब को बड़े उनकी जो है ना पुरानी यादें आ रही थी कि अम्मा यहाँ पे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा मिलता है आपने मेरे साथ चल के वो पिज़्ज़ा खाना है मैंने कहा चलो हम निकले हुए ही थे किसी काम से तो खा लेंगे पिज़्ज़ा लेकिन बस उस दिन तो कोई अजीब ही चक्कर था कि हम अंदर पहुँचे और पूरी शॉप्स खुली हुई थी मॉल खुला हुआ था मॉल तो नहीं है ये एक तरह से मार्केट है तो अंदर से सारी शॉप्स खुली हुई थी मगर जिस शॉप से हमने पिज़्ज़ा खाना था उसके अंदर कोई था ही नहीं पता नहीं कहाँ चले गए थे हजरात काफ़ी देर हमने खड़े होकर इंतज़ार किया मगर वो मौजूद नहीं थे बच्चे मेरे का दिल बड़ा वो होगा कि अम्मा इतनी दूर आए और नहीं मिला मैंने कहा हर चीज़ में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं ऐसे ही नहीं कहा जाता कि खाने वाले पे जो है ना नाम लिखा होता है अल्लाह ताला, ताला ने मोहर लगाई हुई होती है हर दाने पे तो जी हम इतनी दूर गए और हमें देखे वो पिज्ज़ा नहीं मिला यकी इसमें अल्लाह की कोई मसलहत थी हम इसके साथ में एक बड़ी अच्छी मज़ेदार सी बेकरी है बहुत अरसे से हम सोच रहे थे कि यहाँ पे चक्कर लगाएंगे बच्चे तो यहाँ का टूना सैंडविच बहुत शौक से खाते हैं मैं पहली दफ़ा गई थी इस बेकरी में बेकरी जा मैं कहती हूँ अल्लाह ताली की नियमतों का ना एहसास होता है हर कदम पर दिल जाता है कि आप कहें अलहमदिल्ला मामूली सी खाने पीने की चीज़ें हैं मगर इतनी खूबसूरत इनमें से खुशबू आ रही होती है कि दिल बाग बाग़ हो जाता है आप सोचते हैं कि बस दुनिया में जो है अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें मैं ख़रीदना चाह रही थी उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जब मैंने इनसे थोड़ा सा पूछा तो वो कंफ्यूज थे तो फिर ऑब्वियसली वो वाली टार्ट्स और चीज़ें मैंने नहीं ख़रीदी और जिनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं श्योर थी कि बिल्कुल सही है तो वो ख़रीदी बच्चों ने अपने टूना सैंडविच की जो है वो मुझे वीडियो नहीं बनाने दी कि अम्मा आपने नहीं बनानी हमारी वीडियो तो जी मैंने खाया डोनट और साथ में मैंने खाया कोकोनट मैक्रून इतना मज़ेदार और डेंस था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ कहीं से इसकी रेसिपी मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए इसके अलावा मैंने ख़रीदी पॉर्चुगेज़ स्वीट ब्रेड वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे मीठे बन पाकिस्तान में मिलते हैं बस किशमिश नहीं थी अंदर तो वो बीपी के बन याद आ गए और दिल बड़ा खुश हुआ और जी आज की वीडियो में जिस जिस को मेरी आवाज़ से जहमत हुई है ढेरों ढेर माजरत आप यकीन करें जी मैं तो चाह रही थी छुट्टी मार लूँ आज के ब्लॉग की लेकिन आप लोगों ने इतना इसरार किया इतने डी एम आए कि छुट्टी नहीं करनी है तो पिछले व्लॉग में भी आवाज़ ठीक नहीं थी यकीन माने इस व्लॉग में भी बहुत इंटरवल लिए हैं खांसी की ब्रेक ली है बहुत दफ़ा तो जी उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा आज की कुकिंग शॉपिंग ड्राइविंग हर चीज़ आपको अच्छी लगी होगी और इस शहर का छोटा सा नज़ारा ये भी आपको पसंद आया होगा तो दूसरों को आसानियाँ दीजिए अल्लाह तक आपको आसानियाँ देंगे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मस्ट है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में अल्लाह हाफिज़